सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे साफ कर रहा है, अब बताऊंगा। सुन, रुपए तो लेता है, ऐसे ही जा रहा बिना रुपए लिए। पैसे ही लेगा? पैसे नहीं लेगा भैया, पैसे दे दो। पैसे लेगा ना तो ऐसे तो साफ करके चलती है, पैसे तो ले लेता। बस ऐसे ही साफ करते हो तुम लोग, पैसे ही लेते? पैसे लेता है ना, कितने पैसे को जा रहा था। अच्छा ये बता, ये घड़ी है तेरे हाथ में? हाँ। दिखे जरा, पकड़ 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 पकड़। अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, एक बार ये हाथ आ जाए। क्या हुआ, आया नहीं क्या पकड़ में? भाई वो भाग गया खेत में कूद के। खेत में कूद के भाग गया? आ जा, तुझे पता चला क्या करा उसने? पता नहीं, सफाई तो कर रहा था वो। तेरी समझ नहीं आया क्या हुआ? मैं बताता हूँ, देख क्या हुआ। ये क्या है? ये तो फास्ट टैग है। हाँ, ये फास्ट टैग है। और जब मैंने उससे पूछा कि घड़ी 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 है ये तो, ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो गाड़ी साफ करने वाला, उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या कर रही, महंगी लग रही थी। हाँ, वो एप्पल जैसी लग रही थी। ठीक है, एप्पल जैसी नहीं है वो, ठीक है। और उसने यहाँ से गंदा है, यहाँ से गंदा है, वो आया इधर दो कपड़े मारे और सीधा फास्ट टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया था। हाँ, ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा, पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था और जब फास्ट टैग पे आया ना तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा, वो जो उल्टे हाथ से वो क्या करा, तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है, ये लोग क्या करते हैं इसे भी नहीं पता। ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी है जिसके अंदर है स्कैनर, और जो गाड़ी साफ करते हैं और फास्ट टैग पे ऐसे करते हैं तो फास्ट टैग पे हो जाता है स्कैन। अब तुम्हारे पेटीएम में जितने भी फास्ट टैग में पैसे हैं, वो जितनी बार करेंगे उस हिसाब से वो फिक्स रखते हैं कि इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, इसमें इतने रुपए कट जाएंगे, वो जैसे करता रहेगा उतने रुपए कटते रहेंगे। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा गाड़ी के शीशे की सफाई कर रहा है, उसके हाथ में स्कैन करने वाली घड़ी है जिससे वो गाड़ी के शीशे पर लगे फास्टैग से पैसे चुरा लेता है। फेसबुक पेज बकलोल वीडियो ने ये वीडियो पोस्ट किया जिससे करोड़ों व्यूज मिले हैं। पंजाब केसरी ने इस वीडियो के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। फिर तो क्या था, ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो के बारे में छानबीन की तो पाया कि वीडियो में किया गया दावा सरासर गलत है। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये फास्ट टैग आखिर होता क्या है। ये दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक टोल पे सर्विस है। इसके लिए एक फास्ट टैग स्टिकर गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और इस कोड को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्कैन कर टोल का भुगतान किया जाता है। इसके लिए टोल प्लाजा पर एक स्कैनर होता है जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के फास्ट टैग को स्कैन कर टोल का भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं वीडियो की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फास्टैग के पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वायरल दावे का खंडन किया। NPCI ने कहा कि इस तरह से पेमेंट नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि फास्टैग के जरिए भुगतान होने के लिए NPCI, एक्वेरियर बैंक, इश्यूअर बैंक और टोल प्लाजाज का होना जरूरी है। बिना इन चार पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के पेमेंट नहीं हो सकता। ये पर्सन टू मर्चेंट भुगतान के लिए है, न कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट के लिए, यानी सिर्फ कोड स्कैन कर कोई भुगतान नहीं किया जा सकता। पेटीएम ने भी इस वीडियो के साथ किए गए दावे को फर्जी बताया। इसके अलावा ये वीडियो शेयर करने वाले फेसबुक पेज बकलोल वीडियो की टाइमलाइन चेक करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि वीडियो में मौजूद ये लोग एक्टर्स हैं। ये ऐसे वीडियोस बनाकर रेगुलरली फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस वीडियो को लेकर विवाद होने के बाद इस फेसबुक पेज ने वीडियो का पोस्ट अपडेट कर डिस्क्लेमर ऐड किया। उन्होंने लिखा कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है जिसे सामाजिक जागरूकता के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से स्क्रिप्टेड वीडियो सोशल मीडिया पर असली मानकर शेयर किया गया। इससे पहले भी ऑल्ट न्यूज कई ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस की जांच कर चुका है जिसे असली मानकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।